उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में बेमौसम तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसानों की फसल पर आसमान से बरसे ओलों ने इस कदर प्रहार किया कि ये पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो मायूस नजर आए। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। जिले में कहीं कहीं शिमला जैसा नजारा देखने को मिला है। आसमानी आफत से जिले भर में किसानों को हुए नुकसान का आंकलन भी लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जनपद में हजारों बीघा जमीन पर खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। जिले में किसानों के खेतों में फसलें लहलहा रही थी, लेकिन गुरुवार की रात और शुक्रवार सुबह आसमान से बरसे ओलों ने किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा मार गेहूं सरसों पर हुआ। खेतों में पानी लबालब भरा पड़ा है। ओलावृष्टि के चलते खेतों में सुबह तक ओलों की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले इतनी ओलावृष्टि नहीं देखी है। जब किसानों के नुकसान के बारे में अधिकारियों से बात की गई तो कैमरे से बचते नजर आए और नुकसान के आकलन की जानकारी बाद में ही दे दी। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। बराबर लगातार बारिश भी हो रही है और ओलावृष्टि भी हुई है। गेहूँ और सरसों की फसल नष्ट हो चुकी है और कोई शासन प्रशासन से राहत नहीं मिली भाई। हमारे यहाँ लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। यहाँ शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करने के लिए आ रहा। हम लोग माथे पर धर के रोने के अलावा और कुछ हेमत हो गया, गिर रहा है और नुकसान भी बहुत हो गया। कम से कम 30% रबी बेकार हुई है, कटा ही है। और अब भी बारिश हो रही है, आज भी गिरे हैं कई खेत और ओरे भी गिरे हैं। आज नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। एक एक एक, एक हफ्ते से बारिश हो रही है और हमारी गेहूं की और राई की फसल भी खराब हो गई है सब। और हफ्ते ओले भी पड़ रहे हैं, पड़े कल रात में। अब आलू भी मेरा सब चला गया बाद रोने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं है। अब सरकार भी सुन ही नहीं हमारी, हमारे लिए कोई लाभ नहीं। किसान लोग हम बड़ा दुखी हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.